सिलवानी से हमारे संवाददाता शुभम नामदेव की रिपोर्ट। स्मार्टफोन मिलने से जानकारी से अपडेट रहेंगे छात्र छात्राएं, रामपाल सिंह राजपूत ने ऐसा कहा। स्मार्टफोन का वार्षिक उत्सव के पुरस्कार और छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। फोन वितरण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए लोक निर्माण मंत्री रामपाल सिंह राजपूत, 162 स्मार्टफोनों का किया वितरण। सिलवानी प्रदेश सरकार की मंशा है कि महाविद्यालय के छात्र छात्राएं संचार क्रांति के इस दौर में नवीन टेक्नोलॉजी व शिक्षा की जानकारी से हमेशा अपडेट रहे। इस कड़ी में सरकार द्वारा छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन का वितरण किया जा रहा है। यह उद्गार लोक मंत्री ठाकुर रामपाल सिंह राजपूत ने सिलवानी महाविद्यालय में आयोजित फोन वितरण कार्यक्रम में व्यक्त किए। कार्यक्रम के आरम्भ में अतिथियों ने सरस्वती पर चित्र माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित। देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय मध्य प्रदेश शासन का है, उसका लाभ आज हमारे महाविद्यालय सिलवानी के छात्र छात्राओं को मिला है। पढ़ाई के लिए जो महत्वपूर्ण निर्णय मध्य प्रदेश सरकार ने बताया, 12वीं कक्षा में 70% से अच्छे अंक प्राप्त करने वाले बेटा बेटियों की पढ़ाई का खर्चा मुख्यमंत्री जी मामाजी शिवराज जी चौहान साहब उठाएंगे। बेगमगंज से हमारे संवाददाता अंकुर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। धूमधाम से मनी मां कर्मा देवी जयंती, विशाल शोभा यात्रा का नगर के लोगों ने जगह जगह किया स्वागत। भक्त शिरोमणि मां कर्मा देवी जयंती नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में हर्षोल्लास के साथ परंपरागत रूप से मनाई गई। भक्त शिरोमणि मां कर्मा देवी जयंती के अवसर पर प्रातः नव युवा साहू महासभा के तत्वाधान में दशहरा मैदान स्थित मां कर्मा देवी मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में सहनाई बैंड पार्टी, ढपला पार्टी, ढोप तोप और शंकर जी ढोल डीजे के साथ मां कर्मा देवी की झांकी का मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। ढोल ढपाके व डीजे के धुन पर अखाड़ों के युवा झेलम बजाते एवं कर्तव्य दिखाते आगे चल रहे थे। साथ ही देवी भजनों की भजन मंडली भक्तगण खूब थिरके। नगर को झंडी बैनर एवं स्वागत द्वारों से सजाया गया। यात्रा में नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के दूर दूर से आए हुए हजारों लोगों ने भाग लिया। यात्रा का स्थान स्थान पर भव्य स्वागत किया एवं जगह जगह मां कर्मा देवी जी की पूजन आरती की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामपाल सिंह राजपूत, लोक निर्माण मंत्री, विशेष अतिथि देवेंद्र पटेल, पूर्व विधायक सिलवानी मलखान सिंह जाट, नगर पालिका प्रतिनिधि अध्यक्ष, कार्यक्रम की अध्यक्षता रामकुमार साहू, जिला अध्यक्ष साहू समाज रायसेन ने की। गिरदगंज से हमारे संवाददाता संजय द्विवेदी की रिपोर्ट। मां कर्मा जयंती पर साहू समाज ने निकाला विशाल चल समारोह। साहू समाज की आराध्य देवी भक्त श्रोमणी माता कर्मा देवी जयंती आज मंगलवार को गिरदगंज में धूमधाम से मनाई गई। विशाल चल समारोह टेकापार स्थित हनुमान मंदिर से निकाला गया और मुख्य बस स्टैंड पर होता हुआ श्री राम जानकी बड़े मंदिर पहुंचा। यहां धर्मशाला में विधि विधान से भगवान जगन्नाथ स्वामी व माता कर्मा देवी की पूजा अर्चना की गई। साथ ही एक धर्म सभा का आयोजन किया गया जिसमें मां कर्मा बाई के जीवन पर प्रकाश डाला गया एवं प्रसाद का वितरण किया गया। नगर साहू समाज के अध्यक्ष खेमचंद नायक एवं युवा अध्यक्ष राजेश साहू ने सभी धर्म प्रेमी बंधियों का आयोजन में आने के लिए आभार व्यक्त किया। सागर जैसी नगर से हमारे संवाददाता संतोष नामदेव की रिपोर्ट। जैसी नगर थाना क्षेत्र के अगरिया में अधेड़ व्यक्ति ने 14 साल की नाबालिग लड़की से की छेड़छाड़। पुलिस ने किया मामला दर्ज, आरोपी अनिल फरार है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। वो अपने घर पर थी, उसके माता पिता और भाई बहनी वगैरह चना की कटाई करने के लिए गए थे। तो एक अनिल साहूकार करके है, उसी अगरिया गांव का शुक्ला है,
वो आया लड़की को उसके माँ बाप के लिए पूछा, उसने बताया कि गांव खेत पर गए हुए हैं, तो उसके साथ छेड़छाड़ करने की जानकारी मिली है। इस पर से अपराध पंजीबद्ध करके आरोपी अनिल साहूकार की